वैसे आज 11 अप्रैल 2019 है और ये मार्केट लाइव चल रहा है। ये 12:51 हुआ है। एक शेयर था, स्क्रिप्ट था जो मुझे अच्छा लगता है, वो मैं इसी पर अपडेट लेके आया था। मैं मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन आपको नहीं है, कोई सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बट ये स्क्रिप्ट पे आप वॉचलिस्ट जरूर रखें। ये GMR इंफ्रास्ट्रक्चर है और इनको एयरपोर्ट डिवीजन को बनाने में और बहुत एक्सपर्टाइज हासिल हो चुका है। ये बहुत दिन से ये आप देखेंगे यहाँ पे तो डिलीवरी अच्छी खासी चल रही है। 1,73,01,73,57,510 अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ ये डिलीवरी भी दिखा रहा है, परसेंटेज दिखा रहा है। और यहाँ पे 76% रिकमेंडेशन भी है। लो देखेंगे तो इसका 12.95 रुपया, हाई 21 रुपया का है और ये कहीं ना कहीं अपने 18.65 रुपये के आसपास चल रहा है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए है। आपको इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पज से अगर चाहें तो अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं। और ये EPC जैसे वर्क करती है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन, मेनली एयरपोर्ट डिवीजन में इसको एक्सपर्टाइज है। इसके ब्रीफ हिस्ट्री फाइनेंशियल बताऊं तो इसके सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहा है और रिटर्न इक्विटी भी नेगेटिव है, इसलिए आपको इतने कम वैल्यू पे मिल रहा है। प्राइस टू कैश फ्लो बहुत सस्ता है। प्राइस टू बुक वैल्यू थोड़ा यहाँ पे 3.61 है। मार्केट कैप अपने इतने 1.11 के हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1460 करोड़ का है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है इसके लिए, 0.54 है। तो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसको एक्सपर्टाइज है एयरपोर्ट अथॉरिटी को बनाने के लिए। और आगे जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी का एक्सपेंशन होने वाला है उसमें इसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा, GMR इंफ्रा को। और ये कहीं ना कहीं यहाँ से आपको 18.45 रुपये है पहला टारगेट इसका जो हो सकता है। ये आपको पहला टारगेट यहाँ पे आएगा 24 रुपये का, और 24 रुपये के टारगेट को क्रॉस करता है तो 37 रुपये के टारगेट के लिए आपको जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा बाउंस है। 21 रुपये के पास ये डबल टॉप बॉटम बना के नीचे की ओर जाता है। 21 रुपये को फिर क्रॉस करने के लिए आता है तो 21 क्रॉस करता है तो 24, लेकिन ये सब शॉर्ट टर्म के टारगेट है। शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप देखें तो ये सब टारगेट है जितने भी आपको बताया गया है, सब शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन मैं कहीं ना कहीं इसको समझता हूँ कि ये आपको जैसे नीचे जाए, जब इसका लो है 1,400 रुपये के आसपास, अगर वहाँ जाए तो आपको बाइंग करना चाहिए। 1,400 से 1,100 का रेंज आप देखिए खुद यहाँ से, कई दिनों से इस रेंज से आप बोले तो ये कई दिनों से इस रेंज में खेल रहा है। 1,400 रुपये यहाँ पे, 11 रुपया और ऊपर में 21 रुपया, 11 से 21 का रेंज तो इसका बहुत दिनों से चल रहा है। अगर इस रेंज में रहता है तो भी आपको कहीं पे एक्यूमुलेट करते हैं तो आपको फायदा होगा। ये एक चैनल है, इसका रेंज है जहाँ पे ये रहता है। एक अच्छा है स्क्रिप्ट है, देखने को मिल सकता है आपको, अच्छा परफॉर्मिंग करते हुए मिल सकता है आपको। और अगर शेयर होल्डिंग परसेंटेज 63.11% है, जहाँ खुद इसके मार्केट इसको प्रमोटर बढ़ा रहे होल्डिंग 0.15 से, मतलब इसके प्रमोटर को खुद बिलीव है कि इसमें कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि 82% इनकी होल्डिंग जो है प्लीज की हुई है, गिरवी रखी हुई है। तो कहीं ना पेनी स्टॉक के रूप में अगर आप लें तो आप यहाँ देखेंगे वीकली चार्ट पे देखेंगे ये 20 दिन का जो डेमा है ये इसको क्रॉस करते हुए ऊपर की ओर निकल रहा है। और ये लॉन्ग टर्म के लिए ये एक बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है जब ये ऊपर की ओर जाता है। और अभी प्रीवियस वीक में ही, लास्ट 25 मार्च के वीक में आप देखेंगे स्मार्ट मनी जो है इसको एक्यूमुलेट करना चालू कर दी हर लोअर लेवल पे। जब ये 17, 18, 15 के आसपास जा रहा है, ये लो बनाया था उस दिन, लास्ट 16 रुपये का लो था इसका, वहाँ पे इसने एक्यूमुलेट किया और इसकी क्लोजिंग देखिए 19 रुपये एक ही दिन में, और हाई यहीं पे एक स्पाइक बना था 21 रुपये तक का। तो कहीं ना 15 से 21 के रेंज में अभी खेल रहा है ये। आप चाहें तो नीचे 15 रुपये पे एक्यूमुलेट करें, ऊपर 21 रुपये की ओर जाए, बट इसको अपने पोर्टफोलियो में रखें। ये यहाँ से लॉन्ग टर्म के लिए जब मार्केट सुधरेगा और एयरपोर्ट अथॉरिटी में न्यू डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगी तो ये आपको जब भी 24-25 रुपये क्रॉस करेगा तो आपको 37 रुपये की ओर जाते हुए दिख सकता है। तो GMR इंफ्रा एक अच्छी कंपनी है, फाइनेंशियली बहुत अच्छा नहीं चल रही है, बट एज ए वर्क एक्सपीरियंस इसको एक्सपोर्ट एयरपोर्ट डिवीजन में बहुत ही अच्छा नॉलेज है, कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी को मेंटेन किया जाता है, कैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी में डेवलपमेंट किया जाता है, तो इसको अच्छा खासा नॉलेज एयरपोर्ट अथॉरिटी को है। और ये मैं प्रीवियस भी आपको बोला था जब ये 12-13 रुपये पे था, और वापस आज आपको बता रहा हूँ ये एक अच्छी कंपनी है फाइनेंशियली। पेनी स्टॉक के रूप में आप चाहें तो इसको रखें, यहाँ से कम आपको जैसा बताया 25 और 37 रुपया यहाँ से आपको जाने का इसका दम रखता है 2 से 2.5 साल में। तो GMR इंफ्रा पे मेरा कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वॉचलिस्ट पे जरूर रखें। और अगर आपको बाय करना है लॉन्ग टर्म के लिए तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके बात कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए अगर किसी को बाय शॉर्ट टर्म के लिए बाइंग सोच रहे हैं कोई भी यहाँ पे, तो आप यहाँ पे एक मिनट, तो आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली 17 रुपये 16 पैसे का स्टॉप लॉस लगा लें, जाएगा तो कि नीचे 15-14 रुपये तक जा सकते हैं अगर कोई ट्रेडर है। और उससे शॉर्ट टर्म के लिए कोई सोच रहे हैं तो आप 18 रुपये
के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लें। 18 रुपये तोड़ेगा तो हो सकता है वो 17 रुपये 16 रुपये की ओर जाएगा। ये छोटा एक एक रुपये के लिए है, इसलिए मैं बोलता हूँ इस तरह के शेयर में आपको बाई करके छोड़ देना चाहिए, वाच रखना चाहिए। आप अगर 14, 15, 11 में लेते हैं तो वहाँ से आपको आराम से 21, 25 कभी भी मिलता है। ये एक अच्छा रेंज है 11 से 25 का, यहाँ पे आप वॉच लिस्ट रखें। और जिस दिन ये 24 का क्रॉस करेगा तो 37 ही हो जाता हुआ दिखेगा। जी हमारे इन्फ्रा एक अच्छा स्क्रिप्ट देखने को लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा व्यू है, बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।